बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अंडा चने, इन ढाबा स्टाइल। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही मज़े के हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लोग इसे नाश्ते में खाते हैं। चलें जी, अंडा चने बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो चने लिए थे, उसको मैंने एक रात पहले भिगो दिए हैं। सोडा, 1 टीस्पून सोडा ऐड करके मैंने इसको भिगो दिया था। 6 मैंने अंडे लिए हैं और मेरे पास यहाँ पे कुछ साबुत गरम मसाले पड़े हुए हैं। सबसे पहले हमने करना है चनों को बॉयल। उसके लिए मैंने 2 बड़ी इलायची, काली मिर्च साबुत, लौंग और दालचीनी की स्टिक्स और 1 टीस्पून नमक है, ये सब कुछ ऐड करके मैं चनों को बॉयल कर लूँगी। और साथ ही हम अंडे बॉयल कर लेते हैं। इन दोनों चीज़ों के बॉयल होने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। चलें जी, चने का मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम प्याज थे, उसको मैंने काट लिया, मोटा मोटा काट के रखा हुआ है। 2 टमाटर थे, उसको भी मैंने काटा है। इन दोनों का हमने पेस्ट बनाना है। ब्लेंडर में ये दोनों चीज़ें अलग अलग डाल के इनका पेस्ट बना के रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर लहसुन है और अदरक है, इनको हमने चॉप करना है, इनका पेस्ट नहीं बनाना। चले जी, ये देखें जी, चने हमारे बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। ये देखिए कितने नरम हो गए हैं। अंडे भी हमने बॉयल करके रेडी कर लिए हैं। टमाटर और प्याज का भी मैंने ब्लेंडर में डाल के पेस्ट रेडी कर लिया है। अब चनों में जो मसाले इस्तेमाल होंगे उसमें है जी, 1 टीस्पून है जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून है हल्दी, 2 टीस्पून है रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून है नमक। नमक हमने बॉयल करते हुए भी चनों में ऐड किया था, इस वजह से मैं थोड़ा सा कम ले रही हूँ। अदरक और लहसुन को मैंने चॉप करके रख लिया है। यहाँ पे है जी साबत है जीरा और पिसी हुई काली मिर्च है, इसको भी हम मसाला भूनते हुए इस्तेमाल करेंगे। 1 प्याली मेरे पास दही है, 6 से 7 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको लास्ट में ऐड करेंगे गार्निश के लिए। चलिए जी, सबसे पहले एक पतीली में थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और मसाला रेडी करते हैं। लेकिन जी, यहाँ मैंने पतीले में थोड़ा सा ऑयल शामिल करने के बाद इसमें मैंने साबत जीरा ऐड किया है, इसको थोड़ी देर तक फ्राई किया है। अब इसमें कुटा हुआ अदरक और लहसुन ऐड करते हैं। अदरक और लहसुन ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे। बाद में इसमें पेस्ट, प्याज का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। जब इसका लाइट सा कलर गोल्डन सा आ जाएगा फिर इसके बाद हम इसके अंदर प्याज और टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। चलिए, अब ऐड करते हैं इसके अंदर प्याज का पेस्ट। 2 मीडियम साइज की मैंने प्याज ली थी, इसको ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट रेडी कर लिया। 2 ही मेरे पास टमाटर थे, सेम इसी मेथड से इसका भी पेस्ट रेडी कर लिया। अब इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है जब तक प्याज और टमाटर का पानी खुश्क नहीं हो जाता। ये देखें जी, प्याज और टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट तक भूना है। इसका हल्का हल्का पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें बाकी के मसाले ऐड करते हैं। सारे मसाले जो पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। मसाले ऐड करने के बाद फिर दोबारा से इसको अच्छे तरीके से भूनना है जब तक इसका मसाले का आयल ऊपर नहीं आ जाता। मसाला हमारा बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए क्योंकि चने की बेस ही मसाले से बननी है। अगर मसाला हमारा अच्छा होगा तो चने बहुत ही मज़े के टेस्टी बनेंगे ढाबा स्टाइल में। अगेन मेरी आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ये देखें जी, आपको नजर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता इसका ऑयल इसकी सरफेस पे आ रहा है।
ये देखिए जी, मैंने एक प्याली में 2 टेबलस्पून मैंने दही लिया है अंडों की मैरिनेशन के लिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा पिसी हुई काली मिर्च ऐड करूंगी, थोड़ी सी हाफ टी स्पून, थोड़ा सा इसके अंदर हाफ टी स्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी। ऐड करने के बाद दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये दही जो हमने इसके अंदर मसाले ऐड करके तैयार किया है, इसको अंडों में शामिल करेंगे। अंडों में शामिल करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, मैंने सारे अंडों को इस तरह करके रख लिया है, सिर्फ एक बचाया है। इसको आपने क्या करना है, फोक की मदद से इसके अंदर हल्के हल्के कट लगा लेने हैं ताकि मसाला ये अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले। बाकी सारे अंडों को मैंने पहले से ही कट लगा के रखा हुआ है। अब इसके अंदर ये सारा दही ऐड कर देते हैं। ये देखिए जी, अंडों को मैंने मैरिनेट कर दिया है। अब इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि मसाला इसके अंदर अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब हो जाए। बाद में इसे चनों में ऐड कर देंगे। देखिए जी, मसाला हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है, अच्छे तरीके से ये भुन चुका है, ऑयल सारा इसके ऊपर आ गया सरफेस पे। अब इसमें हम बॉयल किए हुए चने ऐड करते हैं। चने ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 1 मिनट तक मैं इसको मसाले के अंदर भूनूंगी, फिर इसके अंदर हम दही शामिल करेंगे। ये देखिए जी, मसाले के अंदर भी मैंने चनों को अच्छे तरीके से भूना है। अब इसमें 1 प्याली दही ऐड करती हूँ। मैंने अच्छे तरीके से दही को फेंट लिया था। दही ऐड करने के बाद फिर इसको आपने हल्का हल्का भूनना है। दही का पानी जो है हल्का हल्का सा ड्राई हो जाए। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है ताकि हमारा मसाला जले ना। यहाँ पर मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक कुक करूंगी ताकि इसका दही का जो पानी है वो हल्का हल्का ड्राई हो जाए। देखें जी, दही का पानी हमारा ड्राई हो चुका है। अब जो चने उबालते हुए हमने पानी यूज किया था, चने बॉयल करने के बाद जो पानी बच जाता है वो आप लोगों ने बिल्कुल भी जाया नहीं करना, वो आप लोगों ने इसका शोरबा बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। अब मैं वो पानी इसके अंदर ऐड करूंगी। पानी ऐड करने के बाद इसको बॉयल आने तक, इसको 2 से 3 बॉयल आने तक इसको पकाएंगे ताकि जो 10% हमारे जो चने रह गए हैं बॉयल होने वाले वो भी अच्छे से कुक हो जाएं। यहाँ पर मैं गार्निश के लिए सब्ज मिर्चों को लंबाई में बारीक बारीक काट रही हूँ। इस तरह लंबाई में कटी हुई अच्छी लगती है। यहाँ पर आप चाहें तो इसको चॉप करके अंदर भी, चनों के अंदर भी मसाला बनाते हुए भी ऐड कर सकते हैं। चलिए जी, मिर्चें हमारी रेडी हो चुकी है गार्निश के लिए। ये देखिए जी, मसलसल चनों में बॉयल आ रहा है, इसको मैं मजीद पकाऊंगी। आपने उसी हिसाब से पानी ऐड करना है जितना आपको शोरबा इसका रेडी चाहिए। अगर आपको कम शोरबा चाहिए तो आप मजीद पानी को ड्राई कर लें। ये देखिए जी, कितने अच्छे से कुक हो चुके हैं हमारे चने। शोरबा इतना ज़्यादा नहीं है, ग्रेवी सी बन गई है क्योंकि हमारा मसाला बहुत अच्छे से रेडी हुआ था, बहुत मज़े का बना था मसाला। ये देखें जी, हमारे चनों में बॉयल आ रहा है। अब इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करूँगी, साथ ही मैरिनेटेड किए हुए अंडे, इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए मैं कुक करूंगी ताकि दही का पानी जो है, कच्चापन जो दही का है वो खत्म हो जाए। ये देखें जी, अंडे हमारे बहुत अच्छे तरीके से अंडे चने रेडी हो चुके हैं। अब इसमें सबसे आखिर में मैं ऐड करूंगी गरम मसाला।
गरम मसाला ऐड मैंने कर दिया है। आप इसको सिर्फ 2 से 3 सेकंड के बाद मैं इसको डिश आउट करूंगी, फिर आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये देखें जी, हमारे अंडे चने कितने मज़े के, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है आप सब लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। जाते जाते एक दफ़ा फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।